गुड मॉर्निंग बच्चे। आज असीं श्री गुरु अमरदास जी का जिहड़ा एक श्लोक आ किरपा करके बख्श लै ये करन जा रहे हैं। ये जिहड़ा आखिरी श्लोक जिहड़ा रह चुका वा, ठीक है। साढ़े ते फिर दो गुरु जिहड़े कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। ये गुरु जी कहिंदे आ असीं खत्ते बहुत कमावदे अंत ना पारा वार। खत्ते गुना पाप पारावार जिहदा कोई अंत ना पाया जावे, ठीक है, जिहदा कोई भी उरला परला पासा ना होवे। इहदे विच गुरु जी कहिंदे हन कि असीं जीव बहुत पाप कमाउंदे हाँ, ठीक है, जिन्हां पापां दा जां जिन्हां गुनाहां दा कोई भी अंत नहीं है, जिन्हां दा कोई भी पार उतारा नहीं है, जिन्हां दा उरला परला कोई भी बन्ना नहीं है। हर किरपा करके बख्श लो हो पापी वडगुण गार। हे परमात्मा साढ़े ते किरपा कर ते सानू बख्श लै क्योंकि असी पापी अते वड्डे गुनागार हाँ। हर जियो लेखे वार न आवे तू बख्श मिलावन हार। कहिंदे कि साढ़े गुनाहां नू माफ करन वाली साढ़े लेखे विच वारी तां कदी भी नहीं आ सकती, पर तू अपनी बख्शिश नाल सानू अपने नाल मिला लै ते साढ़े गुनाहां नू माफ कर। गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल विख कट विकार। तुठे हुंदे परमात्मा साढ़े ते जदों प्रसन्न हुंदा है, गुरु साढ़े ते जदों किरपा करदा है। किल विख इहदे विच पापां नू ही कहा गया। इहदे विच कहिंदे जदों गुरु जी साढ़े ते किरपा कीती साढ़े ते प्रसन्न होए हर प्रभ मेलिया ते उसने आहनू अपने नाल मिला लिया ते साढ़े जिहड़े सारे पाप आ जां साढ़े सारे विकार आ उह कट दित्ते। जिन हर हर नाम त्याया जन नानक तिन जयकार। इहदे विच गुरु जी कहिंदे हन कि जिन्हां ने उस परमात्मा दा हर हर उस परमात्मा दा नाम त्याया परमात्मा दा नाम जपया है उहनां दी जयकार होई है, उहनां दी शोभा होई है, उहनां दी प्रशंसा होई है। धन्यवाद।